नमस्कार मित्रों, मैं हूँ रवि चपटे और आज हम देखेंगे विशेषण और विशेषण के भेद। इससे पहले हमने देखा है कि शब्दों के दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के चार भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द के भी चार भेद हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द गुण, दोष, भाव, संख्या, परिमाण आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे गुलाब का फूल सुंदर है, वहाँ बहुत भीड़ थी, हम तीन भाई हैं, मुझे थोड़ा पानी दे दो, कौवा काला होता है। इन वाक्यों में सुंदर, बहुत, तीन, थोड़ा, काला ये विशेषण है। विशेषण के भेद। विशेषण के आठ भेद है। एक गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, तुलनाबोधक विशेषण और संबंधवाचक विशेषण। अब हम इन विशेषणों के भेदों की जानकारी देखेंगे। विशेषण का पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जो शब्द संज्ञा के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार तथा दशा का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गंगा पवित्र नदी है, यह आम खट्टा था, रमेश का घर पुराना है, अमीर आदमी की बात ही अलग है, अर्जुन वीर योद्धा है। इन वाक्यों में पवित्र, खट्टा, पुराना, अमीर, वीर यह गुणवाचक विशेषण है। विशेषण का दूसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा के परिमाण का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जो विशेषण संज्ञा की मात्रा, वजन, नाप, तौल के परिमाण की विशेषता बताते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे किसान ने 1 लीटर दूध खरीदा, मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, वहाँ बहुत चिड़िया थी, कुछ लोग घर चले गए, रमेश थोड़ा पानी पी लो। इन वाक्यों में 1 लीटर, 2 मीटर, बहुत, कुछ, थोड़ा यह परिमाणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जिस विशेषण से प्राणी, व्यक्ति या वस्तु की संख्या की विशेषता का पता चलता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पुस्तक का मूल्य 10 रुपये है, वह चार भाई थे, सभी लोग जमा हो गए, 10-10 हाथी साथ चल रहे थे, कुछ रुपए खर्च हो गए। इन वाक्यों में 10 रुपये, चार, सभी, 10-10, कुछ यह संख्यावाचक विशेषण है। विशेषण का चौथा भेद है
सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आते हैं तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़की बुद्धिमान है, कोई घर पर नहीं था, अब किस रास्ते जाना है, तुम्हारा घर आ गया, जैसा घर है वैसा कमरा है। इन वाक्यों में यह, कोई, किस, तुम्हारा, जैसा, यह सार्वनामिक विशेषण है। विशेषण का पांचवा भेद है व्यक्तिवाचक विशेषण। जो शब्द विशेषण शब्दों की रचना करते हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जो विशेषण संज्ञा से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे एक बनारसी पान देना, जोधपुरी पोशाक बनाओ, तुम्हारा लखनवी रुबाब अच्छा है, तुम इलाहाबादी हो। इन वाक्यों में बनारसी, जोधपुरी, लखनवी, इलाहाबादी यह व्यक्तिवाचक विशेषण है, क्योंकि बनारस, जोधपुर, लखनऊ, इलाहाबाद इस व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनारसी, जोधपुरी, लखनवी, इलाहाबादी यह व्यक्तिवाचक विशेषण बने हैं। विशेषण का अगला भेद है प्रश्नवाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के बारे में प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इस पुस्तक का नाम क्या है, तुम सुबह कहाँ गए थे, कल घर कौन आया था, कैसे हो तुम, तुम्हारा घर कितने दूर है। इन वाक्यों में क्या, कहाँ, कौन, कैसे, कितने, इन शब्दों के माध्यम से संज्ञा या सर्वनाम के बारे में प्रश्न पूछा गया है और इसीलिए ये प्रश्नवाचक विशेषण है। विशेषण का सातवां भेद है तुलना बोधक विशेषण। दो या दो से अधिक वस्तुओं या भाव के गुण, दोष, रूप, स्वभाव, स्थिति आदि की परस्पर तुलना जिन विशेषणों के माध्यम से की जाती है उन्हें तुलना बोधक विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, पर विशेषता बताई जाने वाली वस्तुओं के गुण, दोष कम या ज्यादा होने की वजह से उनमें तुलना की जाती है, इसी को तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। जैसे राम अधिक समझदार है, राम श्याम से अधिकतर समझदार है, राम कक्षा में अधिकतम समझदार है। इन वाक्यों में अधिक, अधिकतर, अधिकतम इन शब्दों के माध्यम से तुलना की गई है और इसीलिए ये तुलना बोधक विशेषण है। विशेषण का आठवां भेद है संबंधवाचक विशेषण। जिस विशेषण से एक वस्तु की विशेषता का संबंध दूसरी वस्तु से बताया जाता है उसे संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जो विशेषण किसी वस्तु की विशेषताएं दूसरी वस्तु के संबंध में बताता है उसे संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ज्वालामुखी का भीतरी भाग भी ज्यादा गर्म होता है, पेट हमारे शरीर का
अंदरूनी हिस्सा है। जंगल का भीतरी इलाका एकदम उजाड़ है। उसके सिर के अंदरूनी हिस्से में चोट लगी है। इन वाक्यों में भीतरी, अंदरूनी, इन शब्दों के माध्यम से एक वस्तु की विशेषता का संबंध दूसरी वस्तु से बताया गया है और इसीलिए यह शब्द संबंधवाचक विशेषण है। अब तक हमने विशेषण के 8 भेद देखे हैं। अगली वीडियो में हम विशेषण के उपभेद देखेंगे। धन्यवाद।